हेलो गाइस, सो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुविज प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हमारा मेन एम रहता है कि हम आपकी एजुकेशन को इजी बनाएं। और स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में, जो कि है 25 मई के करंट अफेयर्स। सो एस्पिरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो या कोई आप हमें एडवाइस करना चाहें, सो आप मतलब कंफर्टेबली फ्रीली हमें जो है इस वीडियो पे अदर वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में एक नोटिफिकेशन की बेल रहती है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी हमारे चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल में आ जाए और आपको जो है वीडियो जो है विजिबल हो जाए हमारे चैनल पे। सो स्वागत करते हैं, मतलब आज स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो के साथ, जो कि है करंट अफेयर्स 25 मई के। एंड सो पहला क्वेश्चन जो है ये है कि मूडीज ग्लोबल इन्वेस्टर ग्रुप ने जो है एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया की जीडीपी क्रॉस हुई है 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर से। सो मेनली जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि ये सेक्टर जो है 3-12% जो है ग्रो करेंगे एनुअली, और इंडिया की जीडीपी जो है क्रॉस हुई है 3.5 ट्रिलियन डॉलर बाय 2022, और ये रैपिडली जो है 5 ईयर्स तक, अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इंक्रीज होगी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। एंड इन्होंने मेनली इस रिपोर्ट में मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के रिलेटेड ही बताया है, और इन्होंने ये भी चीज बोली है कि इंडिया की कैपेसिटी जो है विल बी सेकंड ओनली टू चाइना बाय 2030। सो ये इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक एमओयू साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन और वेरियस सेक्टर के रिलेटेड। सो बेसिकली ये जो है मेनली ग्रीन हाइड्रोजन पर, इस पे ग्रीन हाइड्रोजन पे मतलब इसमें ज्यादा फोकस किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन पे। जैसे कि आप जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड ये एमओयू जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन हुआ था 24 मई को, मतलब यस्टरडे जो है, पिछले कल ही इसी एमओयू साइन हुआ है। और इसमें जो अदर सेक्टर्स जो इंक्लूड हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमिग्रेशन, मोबिलिटी एंड पार्टनर, मोबिलिटी पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये बेसिकली इसका पर्पज ये भी है कि जैसे कि हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट और डेवलपमेंट और कोऑपरेशन रहे बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो मेनली जो है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड वेरियस सेक्टर्स पे फोकस किया गया है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023, जो कि होने वाला है 3rd से लेके 5th जून के बीच में, और ये रहेगा न्यू टाउन कोलकाता लोकेशन में। सो इसमें बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है, इसमें फोकस किया जा रहा है कि जिससे कि एक अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों में एनवायरमेंट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेके, जो कि आप देख रहे हैं कि आजकल हमारे क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें रह रही हैं, थोड़ा मतलब ये पॉल्यूशन और इकोनॉमिक चेंजेस जो बार बार हो रहे हैं, सो उसकी वजह से उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि 16 फिल्म मेकर्स आएंगे 12 डिफरेंट कंट्रीज से। सो मेनली इसमें मतलब मेन फोकस यही रहेगा कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बारे में एक लोगों को जागरूक किया जाए। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इंडिया एरावत रैंक इन टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, यानी कि एक सुपर कंप्यूटर्स की एक लिस्ट निकली थी, 500 कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट। सो उसमें जो इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर है एरावत, इसकी जो है 75th रैंक आई है इस लिस्ट में। सो बेसिकली ये जो है एक एआई सुपर कंप्यूटर है, जो कि इंस्टॉल किया गया है सीडैक पुणे लोकेशन में, और इसे जो है अनाउंस किया गया है 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट।
मतलब कि 61st एडिशन था ये, जो कि टॉप 500 में, मतलब टॉप 500 की रैंक में 75th रैंक इसने हासिल की है. और बेसिकली इंडिया का जो अभी अभी जो इंडिया का जो मेन फोकस है वो है कि हम मतलब एआई पे जो है ज़्यादा, एआई पे अभी हमारा मतलब काम चल रहा है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया इज़ वर्किंग ऑन अप्लाइड एआई विद अ फोकस ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर नेचुरल लैंग्वेज. इट मीन्स कि एआई को जो है डेवलप किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, जिससे कि फ्यूचर में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑडियो असिस्टेंस, रोबोटिक्स, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं मेजरली, उसमें जो है मतलब एआई को ही, एआई का ही रो, एआई को ही मतलब फॉर्म करने की बात की जा रही है. उसी पे जो है हमारा काम चल रहा है. उसी में जो है ये जो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है एरावत, AI सुपर कंप्यूटर, इसकी जो है 75th ग्लोबल रैंक आई है इन सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट. ये गाइस, ये एस्पिरेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. मेनली जो है आपको ये इस सुपर कंप्यूटर का नाम और इसकी रैंक और कहाँ ये इंस्टॉल्ड है, मतलब इसी डायरेक्ट पुणे लोकेशन में, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. आप इसे जो है एक बार अपने माइंड में एक बार मतलब रिवाइज कर लें आप, जिससे कि आपके माइंड में रहे और जैसे ये मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सो आपको इजी रहेगा मतलब वहां पे इस चीज का आंसर करने के लिए. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हु इज इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ कर्नाटका असेंबली. मतलब कि कर्नाटका असेंबली में मतलब हाल ही में एक नई स्पीकर जो है इलेक्ट हुए हैं, और जिनका नाम है यूटी खादर जी. और इसमें जो है जैसे कि आप अलग मतलब दूसरे नाम भी देख पा रहे हैं, जैसे रविंद्रनाथ महतो जी, एमबी राजेश जी और गिरीश गौतम जी. मैं इनके बारे में भी बता देता हूँ. जैसे कि ये जो हैं हमारे राज्यसभा स्पीकर्स, राज्यसभा स्पीकर्स के नाम है. पहले जो हैं रविंद्रनाथ महतो जी, ये हैं झारखंड स्टेट से और इनकी पार्टी है जेएमएम. और सेकंड जो हैं एमबी राजेश जी, ये हैं केरला स्टेट से और इनकी पार्टी का नाम है सीपीआई, सीपीआईएम. और लास्ट जो हैं गिरीश गौतम जी, ये जो हैं मध्य प्रदेश स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश स्टेट से, एंड इनकी पार्टी जो है वो है बीजेपी. बढ़ते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर और फाइव और जो है 5 बार एमएलए बने हैं यूटी खादे जी. इन्हें भी जो है एज अ स्पीकर ऑफ कर्नाटका इलेक्ट किया गया है. और खादे जी जो हैं फर्स्ट मुस्लिम लीडर हैं जो सर्व करेंगे एज अ स्पीकर ऑफ द कर्नाटका असेंबली. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसमें ही आपके दो क्वेश्चन बनते हैं. पहला तो ये कि कर्नाटका असेंबली के अभी न्यू स्पीकर जो इलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं यूटी खादे जी, और सेकंड चीज फर्स्ट मुस्लिम लीडर हैं टू सर्व एज अ स्पीकर ऑफ कर्नाटका असेंबली. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही में हाल ही में टाटा केमिकल्स के न्यू मतलब चेयरमैन को रीअपॉइंट किया गया है. वो है मुकुंदन जी. मुकुंदन जी को जो है हाल ही में मतलब न्यू चेयरमैन रीअपॉइंट किया गया है. इसमें आप और भी नाम देख रहे हैं, जैसे भास्कर बाबू रामचंद्रन, अजय कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार यादव. पहले जो हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन जी, इनके बारे में बता दूं तो ये हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 3 इयर्स. 3 इयर्स के लिए जो हैं ये एमडी एंड सीईओ रहे हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के. और इसके बाद बात करें अजय कुमार श्रीवास्तव जी, अजय कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं एज मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ काम कर रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए. एंड जो करंट अभी पोस्ट हुए हैं ऑन जनवरी 1, 2023 को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. जो इनकी करंट पोस्ट है, करंट पोस्टिंग जो है वो है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. और इससे पहले ये काम
काम कर रहे थे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक. एंड नेक्स्ट हम बड़े संतोष कुमार यादव जी. सो ये जो हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट अपॉइंट किए गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन अदर जो मैंने इसमें और ऑप्शन ऐड किए हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्हें जो ये मुकुंदन जी को जो है फिर से रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. यानी कि इनका जो अभी टेन्योर था वो 25 नवंबर 2023 तक था. हाँ सो या सो इनका जो टेन्योर था वो 25th of November 2023 को मतलब 2023 तक था 25th of November. बट इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 5 years के लिए और 5 years के लिए जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है. और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा. सो टूरिज्म एम्बेसडर बने हैं न्यू त्रिपुरा के, वो हैं सौरभ गांगुली जी. सो सौरभ गांगुली जी को जो है हाल ही में त्रिपुरा का न्यू टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है. और जैसे कि आप अदर ऑप्शंस देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, कुलदीप यादव जी एंड युवराज सिंह जी. सो महेंद्र सिंह धोनी जी जो हैं हाल ही में मतलब अभी जो है करंट में ब्रांड एम्बेसडर हैं वियाकॉम 18 में जो है एज ए ब्रांड एम्बेसडर वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर हैं वियाकॉम 18 के. एंड बात करें कुलदीप यादव जी की तो कुलदीप यादव जी दिल्ली ड्यूटी फ्री सर्विसेज के ब्रांड एम्बेसडर हैं. और युवराज सिंह जी की बात करें तो वो अभी प्यूमा ब्रांड के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं. और या सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साहा जी ने 23 मई को सौरभ गांगुली जी को जो है एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किया है त्रिपुरा टूरिज्म का. और ये तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं शिरगांवकर जी को जो है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टाइकोंडो एसोसिएशन में अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट. एंड इन्हें अपॉइंट किया गया था 21st of May 2023 को. और टाइकोंडो जो है जैसे कि मैं बताऊं तो एक फ्री स्टाइल कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसमें कि आपके हैंड्स और आपके पैरों की ज़्यादा मूवमेंट रहती है. सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में इंडिया को जो है एक दो मेडल्स प्राप्त हुए हैं जो कि थे मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से इन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप. मतलब बेसिकली शूटिंग चैंपियनशिप में जो है दो मेडल इंडिया को हासिल हुए हैं. और जो स्पोर्ट्स पर्सन थे इस गेम में जिन्होंने ये मेडल्स हासिल किए हैं वो हैं दर्शना राठौड़ और जेनेमेट सैकॉन. इन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल हासिल किया है इन वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट जो कि हुआ था 2023 में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन. और ये जो है हुआ था मई 2023 में. सो ये जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री में मतलब इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि दो इंडिविजुअल मेडल जो हैं इन द वुमेन्स कैटेगरी जो हैं आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जो हैं दो मेडल्स जो हैं आए हैं ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल. और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. सो वर्ल्ड थायराइड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं जो कि रहता है 25th of May को. तो 25th of May को वर्ल्ड थायराइड डे जो है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. सो इसमें जो है अवेयरनेस और प्रिवेंशन अवेयरनेस फैलाई जाती है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज. सो द थीम ऑफ
मतलब थीम जो थी इस वर्ल्ड थायराइड डे की इस बार, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर टू कॉम्बैट द लो अवेयरनेस रेट वर्ल्ड वाइड. सो ये थी थीम और जो आपका जो वर्ल्ड थायराइड डे की थीम जो थी. और सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज का लास्ट टॉपिक. सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे जो हार्डवर्क आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और मिलते हैं आपको कल एक न्यू करंट अफेयर्स के साथ 26 मई के. और तब तक आपको कोई भी मतलब डाउट हो या कुछ आप हमसे पूछना चाहते हो, कुछ एडवाइस करना चाहते हो किसी टॉपिक या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं. कमेंट में हम आपके फिर उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आए. सो मिलते हैं आपको कल एक न्यू करंट अफेयर्स के साथ. सो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय.